हेलो एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल ऑडियो बर्स रिंग ऑफ बिजनेस वैप्टर एट स्कूल चैप्टर सौ इकहत्तर टू दो हालांकि वे उड़ती तलवारों पर भी ऊपर नीचे जाते थे लेकिन वे पहले से ही इसके अभ्यस्त थे इसलिए यह उनके लिए ठीक था हालांकि यह पहली बार था कि उन्होंने हवाई जहाज लिया था इसलिए यह बहुत असुविधाजनक था सौभाग्य से उन्हें बहुत स्वीकार्यता प्राप्त थी इसलिए जब विमान स्थिर हो गया तो उन्हें जल्द ही इसकी आदत हो गई उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि इस विमान को कोई खतरा हो सकता है उन्हें काव्या पर भरोसा था और दुर्घटना होने पर भी वे तलवार लेकर उड़ सकते थे इसलिए उन्हें गिरने का डर नहीं था वे अपनी खेती में उच्च स्तर पर नहीं थे और लंबे समय तक उड़ नहीं सकते थे लेकिन यह उनके लिए सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरने के लिए पर्याप्त था काव्या हवाई अड्डे से निकलने के बाद सीधे टैंग परिवार के घर गई उसने यह नहीं पूछा कि गांव वेनकसिन अब क्या कर रही है और न ही उसने तांग परिवार को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया जब वे गांव परिवार से मिलने गए तो उन्होंने समाचार सुना काव्या को आज बहुत सारी चीज़ों से निपटना पड़ा टैंक परिवार के घर वापस जाने के एक घंटे बाद उसे क्यूई तियानलिन का फ़ोन आया सिर्फ़ इस वजह से काव्या के साथ अपने रिश्ते को खत्म नहीं करेगा इसके अलावा उसे काव्या से जादुई गोलियां भी खरीदनी थी काव्या को क्यूई तियानलिन के रवैये की कोई परवाह नहीं थी अब वह उसके प्रति थोड़ा निर्दयी हो गया था लेकिन वे झगड़ते नहीं थे और वह अब भी उसके संपर्क में रहती थी नमस्ते काव्या ने उसकी कॉल का उत्तर दिया ठीक है ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मुझे अपना दोस्त नहीं मानते आप दो दिनों के लिए सिटी बी वापस आए हैं तुमने मुझे भोजन के लिए क्यों नहीं बुलाया क्यों ही तिया ने शिकायत की दरअसल एक बार जब काव्या वापस आई तो उसने यह खबर सुनी लेकिन वह देखना चाहता था कि उसके फ़ोन करने से पहले काव्या उसे फ़ोन करेगी या नहीं हालांकि उसका पहले से ही एक मंगेतर था फिर भी वे दोस्त थे वे अब भी मिल सकते थे और साथ में भोजन कर सकते थे हालांकि उन्हें निराशा ही हाथ लगी काव्या ने आंखें घुमा ली चलो सिटी बी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मैं वापस आकर उन सभी के साथ भोजन नहीं कर सकता वे सभी मेरे दोस्त हैं मैं उनमें से किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है ना मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास समय नहीं है मुझे लगता है आपके पास पर्याप्त समय है मुझे झूठ बोलना बंद करो बस एक भोजन इसमें आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा तुमने मुझसे बहुत पैसा कमाया है क्यों ही तियानलिन समझ गया कि काव्या हमेशा व्यस्त रहती है लेकिन उसके पास कुछ खाली समय होना चाहिए इसलिए उसका मानना था कि काव्या उसे अपने दोस्त के रूप में नहीं लेती है मैं अनगिनत लोगों से पैसा कमाता हूँ क्या मुझे उनमें से प्रत्येक के लिए भोजन खरीदना होगा यदि आप नहीं चाहते कि मैं आपसे पैसा कमाना जारी रखूं तो आप मेरे साथ सौदे करना बंद कर सकते हैं काव्या ने कहा वह पागल नहीं थी लेकिन उसे लगा कि उसने इस्तीफा दे दिया है यह सुनकर क्यूई तियानलिन पहले से कहीं अधिक क्रोधित हो गया काव्या उसे आसानी से पागल कर सकती थी उसकी भारी सांसें सुनकर काव्या समझ गई कि उसने क्यूई तियानलिन को नाराज कर दिया है लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि यह बहुत ज्यादा था क्यूई तियानलिन ने स्वयं इसके लिए कहा बॉस ड्रेसिंग बदलने का समय आ गया है इस समय काव्या ने क्यूई तियानलिन की ओर से युवाओं की आवाज सुनी चले जाओ क्यूई तियानलिन दहाड़ उठा काव्या ने अपनी भौहें सिकोड़ ली ड्रेसिंग बदलो क्यू तियानलिन क्या आप घायल हैं वह उसकी परवाह नहीं कर रही थी लेकिन आखिरकार वह कुछ हद तक उसका दोस्त था वह अलग अलग लोगों के साथ उनके अलग अलग रिश्तों के अनुसार व्यवहार करती थी आपसे कोई मतलब नहीं क्यू तियानलिन ने ठंडे स्वर में कहा वह अपना गुस्सा काव्या पर उतार रहा था लेकिन जब काव्या ने उससे उसकी चोटों के बारे में पूछा तो वह वास्तव में प्रसन्न हुआ अच्छा काव्या ने इसके बारे में और पूछना बंद कर दिया वैसे भी क्यूई तियानलिन मजबूत लग रहा था इसलिए उसे ठीक होना चाहिए यदि वह गंभीर रूप से घायल होता तो उसके पास फोन पर उससे बहस करने का समय नहीं होता ठीक है अगर और कुछ नहीं है तो मुझे अब फोन रख देना चाहिए मेरी मां को अस्पताल जाने की जरूरत है काव्या ने कहा वे सिर्फ दोस्त थे इसलिए काव्या उसकी चोटों पर ज्यादा ध्यान देने को तैयार नहीं थी वह कोई ग्लफमी पैदा नहीं करना चाहती थी यदि क्यूई तियानलिन वास्तव में खतरे में था तो उसके दोस्त के रूप में वह उसकी मदद करने में संकोच नहीं करेगी हालांकि जाहिर है क्यूई तियानलिन ठीक था एक बार जब काव्या ने बात पूरी कर ली तो क्यूई तियानलिन सीधे उसके पास आ गई काव्या एक पल के लिए अवाक रह गई फिर एक इस्तीफ़ा देने वाली मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया क्यूई तियानलिन का उसके प्रति बुरा रवैया था लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की वे बहुत करीब नहीं थे इसलिए वह वास्तव में उसके इलाज से प्रभावित नहीं होगी वह बस उससे उचित दूरी बनाए रखना चाहती थी हालांकि गोमन की अनुमानित नियत तारीख अभी भी चार दिन दूर थी लेकिन अब अस्पताल जाने की जल्दी नहीं थी आखिरकार अनुमानित नियत तारीख 100% सटीक नहीं थी और उसकी डिलीवरी कुछ दिन पहले या बाद में हो सकती है इसलिए कुछ भी होने की स्थिति में अगर वह पहले ही अस्पताल चली जाती तो बेहतर होता यदि उसे सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता होती तो वह इसे अभी कर सकती थी हालांकि क्योंकि गोमान शारीरिक रूप से मजबूत थी डॉक्टर ने उसे प्राकृतिक प्रसव कराने की सलाह दी क्योंकि अगर उसकी प्राकृतिक प्रसव होता तो वह अधिक तेज़ी से ठीक हो सकती थी हालांकि काव्या गुमन को बिना कोई दाग छोड़े जल्दी ठीक होने में मदद कर सकती थी चाहे उसका प्रसव कैसा भी हो गुमन ने भी प्राकृतिक प्रसव को प्राथमिकता दी नवजात शिशु एक लड़का था और तांग परिवार इससे बहुत खुश था वे लड़कियों की तुलना में लड़कों को महत्व नहीं देते थे आखिरकार उन्होंने काव्या के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया उन्हें बस यह लगा कि तांग यूनफान और गुमान के लिए बेटा पैदा करना बेहतर होगा क्योंकि उनकी पहले से ही एक बेटी थी तांग युन्हांग और उनकी पत्नी ने यह नहीं सोचा कि यह बुरी खबर है क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि लड़का तांगुआम को चुरा लेगा दरअसल गुमन और काव्या के उनके परिवार में शामिल होने से पहले तांग युनफान ने तांग जियांग को तांगुआम के उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया था इसलिए भले ही उन्हें यह विचार नहीं था यह समझ में आता अगर उन्हें वास्तव में वह चिंता थी फिर भी उनकी नज़र में तांग युनफान ने तांगुआंग का निर्माण किया तांग युनफान के बिना तांगुआंग आज इतना सफल नहीं हो पाता इसलिए भले ही तांग जियांग तांग हुआंग का उत्तराधिकारी न बन सके वे पागल नहीं होंगे उन्हें पैसों से ज्यादा अपने पारिवारिक रिश्तों की परवाह थी वास्तव में उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास तांगहुआंग में शेयर थे उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी और फिर भी उन्हें हर साल बहुत सारा पैसा मिलता था उनके पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं था इसलिए वे केवल एक सामंजस्यपूर्ण परिवार चाहते थे और सिर्फ़ पैसे के कारण अपने परिवार को चोट पहुंचाने से हिचकते थे जैसे ही क्यूई तियानलिन ने काव्या का फोन काटा उसे इसका पछतावा हुआ लेकिन यह पहले ही हो चुका था वह उसे दोबारा कॉल भी नहीं कर सका क्योंकि यह शर्मनाक होता काव्या ने यह भी कहा कि उसे कुछ निपटाना है इसलिए उसे उसे दोबारा फोन नहीं करना चाहिए इसके अलावा उसका पहले से ही एक मंगेतर था इससे कुछ भी नहीं बदलेगा भले ही वह उस पर विशेष ध्यान देना जारी रखे वह बस उतावला हो रहा था इसलिए उसने काव्या को फोन किया और सिटी बी वापस आने के बाद उससे न मिलने के लिए उसे डांटा अब जब वह शांत हो गया तो उसे लगा कि वह काव्या को उसे देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता वह यह बात अच्छी तरह जानता था लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका आखिरकार काव्या पहली लड़की थी जिसे उसने सच्चे दिल से पसंद किया था थोड़ी देर बाद काव्या को लेंग शाउटिंग का फोन आया और उसने उसे बताया कि वे पहले ही राजधानी पहुंच चुके हैं और वह अब जियांग लिलुओ और सी जिन को सहुआन ले जा रहे हैं काव्या ने लेंग शाउटिंग से जियांग लिलुओ और सी जिन की स्थिति के बारे में पूछा आखिरकार यह पहली बार था कि उन्होंने हवाई जहाज लिया था लेंग शाउटिंग ने काव्या को बताया कि वे ठीक है शुरुआत में उन्हें बस थोड़ा असहज महसूस हुआ लेकिन जल्द ही उन्हें इसकी आदत हो गई काव्या के साथ कॉल के बाद लेंग शाउटिंग ने एवेशन और उसके अन्य साथियों को माँ शिबियाओं और उसके लोगों को अपने सैन्य अड्डे पर ले जाने के लिए कहा जबकि वह जियांग लिलुओ और सी जिन को सेहुआन ले आए एक घंटे बाद वे पहुंचे और शांगुआन यांग अंत जियांगिलुओ और सी जिन से मिले जियांग लिलू और सी जिन खुशी के आंसू रोए और उन्होंने पुरानी कहानियां साझा की काफी देर बाद ही उन्हें बेहतर महसूस हुआ ठीक है जो बीत गया सो बीत गया आखिरकार हम फिर मिले शामगुआन यांग ने कहा अब से हम एक साथ अच्छा जीवन जी सकते हैं उनका जियांग लिलू और शांगुआन यांग के साथ घनिष्ठ संबंध था इसलिए अब वह उनके पुनर्मिलन को बहुत महत्व देते हैं अंकल शामगुआन आपके आवास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको पाकर बहुत भाग्यशाली हैं जियांग लिलो और सी जिन को छुआ गया ठीक है आपके कमरे पहले से ही तैयार है चलिए अब मैं आपको वहां ले चलता हूँ आप चाहें तो आराम कर सकते हैं यदि नहीं तो आप जगह से परिचित होने के लिए यार्ड में घूम सकते हैं शूटिंग की माँ थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी फिर मैं उन्हें आपसे मिलवाऊंगा शामगुआन यांग ने कहा जरूर जियांग लिलो और सी जिन ने कहा वे अब और भी अधिक प्रभावित हो गए थे क्योंकि शांगुआन यांग ने उनके लिए पहले से ही कमरे तैयार कर दिए थे उसके बाद शांगुआन यांग उन्हें अपने कमरे दिखाने के लिए ले गए जबकि लेंग शाउटिंग अपने स्वयं के व्यवसाय से निपटने के लिए चले गए शाम पांच बजे काओ वेनक्सिन और शिन शिनबेई ने काओ परिवार से मुलाकात की सुबह में काओ वेनक्सिन ने तांग युनरोंग को बताया था कि शिन शिनबेई उनसे मिलने आएंगे इसलिए काओ परिवार तैयार था शिन शिनबेई काओ परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उपहार लाए तांग युनरोंग और काओ रुई शिन शिनबेई से बहुत संतुष्ट थे काओ परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनकी शादी को मंजूरी दे दी वस्तुतः अन्य सदस्यों को अपनी पसंद का विरोध करने का अधिकार नहीं था हालांकि जिन बे के परिवार की तुलना काओ परिवार से नहीं की जा सकती थी लेकिन वह एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति थे केवल तभी जब वह अपने आप में उत्कृष्ट था तभी वह लोगों का सम्मान जीत सका यदि वह सफल होने के लिए अपने परिवार पर निर्भर था तो इसका कोई मतलब नहीं था उन्होंने सफल होने के लिए खुद पर भरोसा किया और उनकी सफलता लंबे समय तक कायम रह सकी अगर वह अपने परिवार पर भरोसा करता तो यह टिक नहीं पाता इसके अलावा शिनबेई गांव परिवार के दूर के रिश्तेदार थे इसलिए वे वास्तव में अजन भी नहीं थे हालांकि हालांकि वे रिश्तेदार थे काउ वेंगसिन का शिनबेई से खून का रिश्ता नहीं था इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि वे एक साथ थे काँव परिवार के घर में सभी प्रमुख सदस्य मौजूद थे क्योंकि गांव रोह हुआ व्यस्त था वह अभी तक घर नहीं आया था लेकिन वह बाद में वापस आएगा आखिरकार यह शिनबेई की पहली औपचारिक यात्रा थी शिनबेई घबराई हुई थी सच कहो तो अपराधियों का सामना करने पर भी वह कभी इतना घबराया नहीं था सबसे महत्वपूर्ण बात वह चाहता था कि कांव विनक का परिवार आज उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाए चाहे वह कितना भी घबराया हुआ क्यों न हो उसे इसका सामना करना ही था इसलिए वह केवल गहरी सांस लेकर ही खुद को शांत कर सकता था शिनबे के एकमात्र रिश्तेदार उनके चाचा और चाची थे इसलिए उन्होंने उन्हें आने के लिए आमंत्रित किया और सीधे उनसे कहा कि वह उनकी शादी की मंजूरी के लिए औपचारिक अनुरोध करेंगे हालांकि बे ने उन्हें यह नहीं बताया कि कांव वेनक्सिन पहले से ही गर्भवती थी हालांकि उन्हें साथ रहते हुए बहुत कम समय हुआ था आठ महीने हो गए थे इसलिए वे अब शादी कर सकते थे वैसे भी उन दोनों ने सोचा कि दूसरा सही है इसलिए वे देरसबे शादी कर लेंगे वे अब युवा नहीं थे और उनकी शादी का समय आ गया था इसलिए शिन बे के चाचा और चाची ने भी उनका समर्थन किया वे गांव परिवार के घर पहले पहुंचे लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि शिन गांव विनक वेनक्सिन से शादी करना चाहते थे उन्होंने शिंदबेई को स्वयं ऐसा करने देने का निर्णय लिया शिनबेई के आने के बाद उन्होंने एक एक करके उनका स्वागत किया और काओ परिवार उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि काओ रुई हुआ अभी तक घर पर नहीं था इसलिए शिनबेई ने फिलहाल इस बारे में बात नहीं की उन्होंने महसूस किया कि काओ विनक के माता पिता के साथ इस बारे में बात करना अधिक उचित होगा जब शाम के लगभग छह बज रहे थे काओ रुई हुआ घर पहुंच गया काओ परिवार के अधिकांश लोग उपस्थित थे और केवल कई युवा सदस्य जो बाहर काम कर रहे थे अनुपस्थित थे जैसे ही काओ रुहुआ वापस आया शिन बेई घबरा गया क्योंकि इसका मतलब था कि उसे तुरंत काओ विनक के साथ अपनी शादी के बारे में बात करनी थी हालांकि भले ही वह घबराया हुआ था उसे हार मानने का कोई विचार नहीं था काओ रुहुआ के बैठने और शिनबेई के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के ठीक बाद शिन बे अचानक खड़ी हो गई और सभी की ओर गहरा प्रणाम किया इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वह क्या करने जा रहा है बेई तुम क्या कर रही हो काओ रुहुआ ने असमंजस में पूछा वास्तव में मैं आज दो महत्वपूर्ण चीजों के लिए आया हूँ सबसे पहले मुझे माफी मांगनी चाहिए विशेषकर श्री काओ और श्रीमती काओ से शिन बे ने काओ रुईहुआ हुआ और युनरोंग से गंभीरता से कहा उम्मा मुझे ईमानदारी से कहना होगा कि मैंने आपको निराश किया है हमारी शादी से पहले मैंने वेनक्सिन को गर्भवती कर दिया था वह बहुत ईमानदार था क्योंकि यह उसकी गलती थी क्या हर कोई स्तब्ध रह गया काओ व्यंगसिन गर्भवती थी इस समय काउ वेनक ने अपना सिर नीचे कर लिया यदि वे उसकी आलोचना करते तो वह उनसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं करती थी हालांकि भले ही उसने उनकी ओर नहीं देखा फिर भी वे उसकी आलोचना कर सकते थे उसे बस दोषी महसूस हुआ अध्याय दो हज़ार तीन सौ बहत्तर शिनबेई ने काऊ परिवार का दौरा किया अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन संपादक हेनी ट्रांसलेशन वास्तव में उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास तांगहुआंग में शेयर थे उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी और फिर भी उन्हें हर साल बहुत सारा पैसा मिलता था उनके पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं था इसलिए वे केवल एक सामंजस्यपूर्ण परिवार चाहते थे और सिर्फ पैसे के कारण अपने परिवार को चोट पहुंचाने से हिचकते थे जैसे ही क्यूई तियानलिन ने काव्या का फोन काटा उसे इसका पछतावा हुआ लेकिन यह पहले ही हो चुका था वह उसे दोबारा कॉल भी नहीं कर सका क्योंकि यह शर्मनाक होता काव्या ने यह भी कहा कि उसे कुछ निपटाना है इसलिए उसे उसे दोबारा फ़ोन नहीं करना चाहिए इसके अलावा उसका पहले से ही एक मंगेतर था इससे कुछ भी नहीं बदलेगा भले ही वह उस पर विशेष ध्यान देना जारी रखे वह बस उतावला हो रहा था इसलिए उसने काव्या को फ़ोन किया और सिटी बी वापस आने के बाद उससे न मिलने के लिए उसे डांटा अब जब वह शांत हो गया तो उसे लगा कि वह काव्या को उसे देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता वह यह बात अच्छी तरह जानता था लेकिन वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका आखिरकार काव्या पहली लड़की थी जिसे उसने सच्चे दिल से पसंद किया था थोड़ी देर बाद काव्या को लेंग शाउटिंग का फोन आया और उसने उसे बताया कि वे पहले ही राजधानी पहुंच चुके हैं और वह अब जियांग जियांगिलुओ और सी जिन को सहयान ले जा रहे हैं काव्या ने लेंग शाउटिंग से जियांग लिलुओ और सी जिन की स्थिति के बारे में पूछा आखिरकार यह पहली बार था कि उन्होंने हवाई जहाज लिया था लेंग शाउटिंग ने काव्या को बताया कि वे ठीक हैं शुरुआत में उन्हें बस थोड़ा असहज महसूस हुआ लेकिन जल्द ही उन्हें इसकी आदत हो गई के साथ कॉल के बाद लेंग शाउटिंग ने एवेशुन और उसके अन्य साथियों को माँ शिबियाओं और उसके लोगों को अपने सैन्य अड्डे पर ले जाने के लिए कहा जबकि वह जियांग लिलुओं और सी जिन को सेहवान ले आए एक घंटे बाद वे पहुंचे और शांगुआन यांग जियांग जियांगलुओ और सी जिन से मिले जियांग लिलुओं और सी जिन खुशी के आंसू रोए और उन्होंने पुरानी कहानियां साझा की काफी देर बाद ही उन्हें बेहतर महसूस हुआ ठीक है जो बीत गया सो बीत गया आखिरकार हम फिर मिले शांगुआन यांग ने कहा अब से हम एक साथ अच्छा जीवन जी सकते हैं उनका जियांग लिलुओ और शांगुआन यांग के साथ घनिष्ठ संबंध था इसलिए अब वहाँ उनके पुनर्मिलन को बहुत महत्व देते हैं अंकल शांगुआन आपके आवास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको पाकर बहुत भाग्यशाली हैं। जियांग लिलुओ और सी जिन को छुआ गया ठीक है आपके कमरे पहले से ही तैयार है चलिए अब मैं आपको वहां ले चलता हूँ आप चाहें तो आराम कर सकते हैं यदि नहीं तो आप जगह से परिचित होने के लिए यार्ड में घूम सकते हैं शूटिंग की मां थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी फिर मैं उन्हें आपसे मिलवाऊंगा शांगुआन यांग ने कहा जरूर जियांग लिलुओं और सी जिन ने कहा वे अब और भी अधिक प्रभावित हो गए थे क्योंकि शांगुआन यांग ने उनके लिए पहले से ही कमरे तैयार कर दिए थे उसके बाद शांगुआन यांग उन्हें अपने कमरे दिखाने के लिए ले गए जबकि लेंग शाउटिंग अपने स्वयं के व्यवसाय से निपटने के लिए चले गए शाम पांच बजे काओ वेनक्सिन और शिनबेई ने काओ परिवार से मुलाकात की सुबह में काओ विनक ने तांग युनरोम को बताया था कि शिन बे उनसे मिलने आएंगे इसलिए काओ परिवार तैयार था शिन बे काओ परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उपहार लाए तांग युनरोम और काओ रुईहुआ शिन बे से बहुत संतुष्ट थे काओ परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनकी शादी को मंजूरी दे दी वस्तुतः अन्य सदस्यों को अपनी पसंद का विरोध करने का अधिकार नहीं था हालांकि जिन जिनबेई के परिवार की तुलना काओ परिवार से नहीं की जा सकती थी लेकिन वह एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति थे केवल तभी जब वह अपने आप में उत्कृष्ट था तभी वह लोगों का सम्मान जीत सका यदि वह सफल होने के लिए अपने परिवार पर निर्भर था तो इसका कोई मतलब नहीं था उन्होंने सफल होने के लिए खुद पर भरोसा किया और उनकी सफलता लंबे समय तक कायम रह सकी अगर वह अपने परिवार पर भरोसा करता तो यह टिक नहीं पाता इसके अलावा शिनबेई गांव परिवार के दूर के रिश्तेदार थे इसलिए वे वास्तव में अजन भी नहीं थे हालांकि हालांकि वे रिश्तेदार थे गांव व्यक्सिन का शिनबेई से खून का रिश्ता नहीं था इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि वे एक साथ थे काऊ परिवार के घर में सभी प्रमुख सदस्य मौजूद थे क्योंकि कांव रुई हुआ व्यस्त था वह अभी तक घर नहीं आया था लेकिन वह बाद में वापस आएगा आखिरकार यह शिनबेई की पहली औपचारिक यात्रा थी शिनबेई घबराई हुई थी सच कहूँ तो अपराधियों का सामना करने पर भी वह कभी इतना घबराया नहीं था सबसे महत्वपूर्ण बात वह चाहता था कि कांव वेनक का परिवार आज उसे शादी करने के लिए सहमत हो जाए चाहे वह कितना भी घबराया हुआ क्यों न हो उसे इसका सामना करना ही था इसलिए वह केवल गहरी सांस लेकर ही खुद को शांत कर सकता था शिन बेई के एकमात्र रिश्तेदार उनके चाचा और चाची थे इसलिए उन्होंने उन्हें आने के लिए आमंत्रित किया और सीधे उनसे कहा कि वह उनकी शादी की मंजूरी के लिए औपचारिक अनुरोध करेंगे हालांकि शिनबेई ने उन्हें यह नहीं बताया कि काउं वेनक्सिन पहले से ही गर्भवती थी हालांकि उन्हें साथ रहते हुए बहुत कम समय हुआ था आठ महीने हो गए थे इसलिए वे अब शादी कर सकते थे वैसे भी उन दोनों ने सोचा कि दूसरा सही है इसलिए वे देरसबेर शादी कर लेंगे वे अब युवा नहीं थे और उनकी शादी का समय आ गया था इसलिए शिनबेई के चाचा और चाची ने भी उनका समर्थन किया वे काओ परिवार के घर पहले पहुंचे लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि शिनबेई गांव विनक सिंह से शादी करना चाहते थे उन्होंने शिनबेई को स्वयं ऐसा करने देने का निर्णय लिया शिनबेई के आने के बाद उन्होंने एक एक करके उनका स्वागत किया और काओ परिवार उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि काओ रुई हुआ अभी तक घर पर नहीं था इसलिए बे ने फिलहाल इस बारे में बात नहीं की उन्होंने महसूस किया कि कांव वेनक्सिन के माता पिता के साथ इस बारे में बात करना अधिक उचित होगा जब शाम के लगभग छह बज रहे थे काँव रुहुआ घर पहुंच गया काऊ परिवार के अधिकांश लोग उपस्थित थे और केवल कई युवा सदस्य जो बाहर काम कर रहे थे अनुपस्थित थे जैसे ही कांव रुहुआ वापस आया शिन बे घबरा गया क्योंकि इसका मतलब था कि उसे तुरंत काउ वेनक्सिन के साथ अपनी शादी के बारे में बात करनी थी हालांकि भले ही वह घबराया हुआ था उसे हार मानने का कोई विचार नहीं था के बैठने और शिनबेई के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के ठीक बाद शिनबे अचानक खड़ी हो गई और सभी की ओर गहरा प्रणाम किया इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वह क्या करने जा रहा है बेई तुम क्या कर रही हो काउ और ने असमंजस में पूछा वास्तव में मैं आज दो महत्वपूर्ण चीजों के लिए आया हूँ सबसे पहले मुझे माफी मांगनी चाहिए विशेषकर श्री काओ और श्रीमती काओ से शिन बेई ने काउ रुई हुआ और तांग युनरोंग से गंभीरता से कहा उम्मा मुझे ईमानदारी से कहना होगा कि मैंने आपको निराश किया है हमारी शादी से पहले मैंने वेनक्सिन को गर्भवती कर दिया था वह बहुत ईमानदार था क्योंकि यह उसकी गलती थी क्या हर कोई स्तब्ध रह गया काउ वेनक्सिन गर्भवती थी इस समय काउ वेनक्सिन ने अपना सिर नीचे कर लिया यदि वे उसकी आलोचना करते तो वह उनसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं करती थी हालांकि भले ही उसने उनकी ओर नहीं देखा फिर भी वे उसकी आलोचना कर सकते थे उसे बस दोषी महसूस हुआ इसने सभी को चौंका दिया कि काओ वेंगसिन गर्भवती थी और उन सभी में मिश्रित भावनाएं थी वे पागल नहीं थे क्योंकि वे खुले विचारों वाले थे और जब वे एक साथ थे तो काओ विनक और शिन शिनबेई का समर्थन करते थे हालांकि काओ विनक शादी से पहले गर्भवती हो गई जो अच्छी खबर नहीं थी शिन बेई ने जारी रखा और दूसरा मुझे आशा है कि आप मुझे व्यक से शादी करने की अनुमति दे सकते हैं मैं जानता हूं कि यह मेरी गलती है कि मैंने शादी से पहले ही उसे गर्भवती कर दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर कितना गुस्सा करते हैं मुझे पता है कि यह मेरी गलती है और मैं आपका दोष स्वीकार करता हूँ मैं वादा करता हूँ कि मैं वेनक से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ कृपया हमें विवाह करने की अनुमति दे मैं काम में व्यस्त हूँ लेकिन मैं व्यंक के साथ जितना संभव हो उतना समय बिताने की पूरी कोशिश करूंगा मैं अपनी पूरी क्षमता से वेनक्सिन का इलाज करूंगा किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी काँव रुई हुआ और तांग युनरोम की ओर देखने लगे वे काउ वेनक्सिन के माता पिता थे इसलिए उन्हें निर्णय लेना चाहिए यह वास्तव में अच्छा नहीं था कि कांव वेनक्सिन को विवाह से पहले गर्भावस्था हुई थी लेकिन यह पहले ही हो चुका था काऊ परिवार शिन बेई से संतुष्ट था और शिन बेई का रवैया बहुत ईमानदार था इसलिए उन्हें शादी करने देना सबसे अच्छा विकल्प था कुछ देर तक चुप रहने के बाद काओ रोहुआ ने एक गहरी आह भरी फिर गंभीरता से कहा मैं कभी भी विवाह पूर्व गर्भधारण को मंजूरी नहीं दूंगी लेकिन यह पहले ही हो चुका है तो अब उसके लिए आपकी आलोचना करना बेमानी है मैं वेंकसिन को गर्भपात के लिए मजबूर नहीं कर सकता यह उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहता एक पिता के रूप में मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे बच्चे खुश रहें मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपको जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए इसमें तब तक देरी न करे जब तक कि वेनकसिन का पेट बहुत बड़ा न हो जाए या बच्चा पैदा न हो जाए काउं रुहुआ काउ वेनकसिन की विवाह पूर्व गर्भावस्था से असंतुष्ट था लेकिन यह पहले ही हो चुका था इसलिए वह उनकी आलोचना करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था यह सुनकर शिनबेई और काउ वेनक्सिन को बहुत राहत मिली और वे उत्साहित हुए काउ रुईहुआ ने जारी रखा हालांकि आप दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए फिर भी शिनबेई को शादी के लिए सगाई का उपहार तैयार करना चाहिए काओ परिवार के पास पैसे की कमी नहीं थी और उन्होंने अपनी शादी के लिए बहुत सारा दहेज तैयार किया था लेकिन शिनबेई को उनके रिवाज के अनुसार अपनी ईमानदारी दिखानी होगी आखिरकार काओ परिवार को एक उच्च दर्जा प्राप्त था इसलिए सगाई का उपहार छोटा नहीं हो सकता था भले ही यह सिर्फ एक समारोह था और सभी उपहार युवा जोड़े को दिए जाएंगे फिर भी काउ परिवार चाहता था कि काँव वेनक्सिन एक भव्य शादी करे बिल्कुल शिनबेई ने कहा वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि कांव वेनक दुखी महसूस करे इसलिए वह उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देगा आमतौर पर माता पिता को इसे संभालना चाहिए लेकिन शिनबेई के माता पिता नहीं हैं हम उसके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं इसलिए मुझे लगता है कि हम उसके लिए ऐसा कर सकते हैं शिनबेई के चाचा ने कहा वे जानते थे कि शिनबेई काउ वेनक सिंह से शादी करना चाहती थी लेकिन उन्हें यह सुनने की उम्मीद नहीं थी कि काँव वेनक पहले से ही गर्भवती थी बहुत बढ़िया तांग तांगयनलोम ने कहा इस समय टैंग युनरोग के मन में मिश्रित भावनाएं थी जब काउ वेंगसिन अकेली थी वे हमेशा चाहते थे कि उसका एक प्रेमी हो उसके एक प्रेमी होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि वे एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं हालांकि जब वे वास्तव में शादी करने जा रहे थे तो उन्हें अचानक काउ वेंगसिन को उन्हें छोड़ते हुए देखने में अनिच्छा महसूस हुई वास्तव में अधिकांश माता पिता की भावनाएं समान थी यह उनकी प्यारी बेटी थी और वह अब उन्हें छोड़कर जाने वाली थी कोई भी माता पिता इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे हालांकि चाहे वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो देरसबेर ऐसा होगा ही शिनबेई के माता पिता नहीं थे और वह काम में बहुत व्यस्त थे इसलिए काओ वेनक शादी के बाद भी अपने माता पिता के साथ रहेंगी आखिरकार वह गर्भवती थी और उसका ध्यान रखना जरूरी था और जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसे और भी अधिक देखभाल की जरूरत थी चूंकि शिनबेई के माता पिता नहीं थे इसलिए उसका कोई निश्चित निवास नहीं था इसलिए काओ परिवार ने उनसे सिटी बी में एक घर खरीदने के लिए कहा हालांकि शिन बेई के पास राजधानी में एक घर था लेकिन वह काओ वेनक्सिन की अच्छी देखभाल करने में बहुत व्यस्त था यदि काओ वेनक्सिन उसके साथ राजधानी में रहने चली जाती तो कोई उसकी देखभाल नहीं करता इसलिए उनके लिए सिटी बी में घर खरीदना बेहतर था काओ वेनक्सिन के पास कई घर थे लेकिन अगर वे शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ रहने चले गए तो लोगों की शिनबेई के बारे में नकारात्मक राय हो सकती है शिन बे की प्रतिष्ठा की खातिर गांव परिवार ने उनसे अपने भविष्य के लिए एक नया घर खरीदने के लिए कहा शिन बे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए उनकी क्षमताओं को देखते हुए उनके लिए सिटी बी में एक अच्छा घर खरीदना आसान नहीं हो सकता था गांव परिवार को इसके बारे में पता था इसलिए उन्होंने यह अनुरोध किया यदि वह घर खरीदने में सक्षम नहीं होता तो गाँव परिवार गुप्त रूप से उसकी मदद करता था लेकिन उसे बाहर खड़ा होना पड़ता था और इसके लिए खुद ही भुगतान करना पड़ता था शिनबेई के पास कार नहीं थी क्योंकि वह आमतौर पर टीम की कार चलाते थे इसलिए काऊ परिवार ने उनसे एक अच्छी कार तैयार करने के लिए भी कहा शिनबेई भी तुरंत सहमत हो गई जहां तक सगाई के तोहफे की बात है क्योंकि शिनबे पहले से ही एक नया घर और एक नई कार खरीदने के लिए सहमत हो गए थे काऊ परिवार ने उनसे ज्यादा पैसे नहीं मांगे यह सिर्फ रिवाज का एक हिस्सा था इसलिए काऊँ परिवार उसके पैसे ले लेगा शिनबेई एक सैनिक था जो एक शक्तिशाली परिवार में पैदा नहीं हुआ था इसलिए वह बहुत अमीर नहीं होगा यदि कांव परिवार उससे बहुत अधिक पैसे मांगता तो शिनबे इसे वहन करने में सक्षम नहीं होता इसलिए उन्होंने शिनबेई को केवल एक मिलियन युवा करने के लिए कहा आमतौर पर शक्तिशाली परिवार विलासितापूर्ण शादी पसंद नहीं करते केवल व्यवसाय से जुड़े परिवार ही विलासिता में रुचि रखते थे उन्हें जल्द से जल्द शादी की व्यवस्था करनी थी लेकिन बहुत सारी तैयारियां करनी थी इसलिए इसमें कम से कम आधे महीने से एक महीने का समय लग गया नए साल का त्यौहार लगभग एक महीना दूर था इसलिए उन्हें छुट्टियों से पहले शादी पूरी करनी थी इसलिए उन्होंने 22 दिन बाद की तारीख तय की जो एक अच्छा दिन था शिनबेई को अब उनकी शादी खत्म होने तक छुट्टी नहीं मिल सकती थी इसलिए उन्हें गांव परिवार से इस बारे में बात करनी पड़ी उन्हें केवल आधे महीने के लिए मातृत्व अवकाश मिल सकता था इसलिए उन्होंने अगले दो दिनों में शादी की तस्वीरें लेने और काँव वेनक्सिन के साथ उनकी शादी के गाउन और अंगूठियाँ खरीदने की योजना बनाई इसके बाद वह सैन्य अड्डे पर काम पर वापस चले जाएंगे ठंड थी इसलिए उन्होंने पारंपरिक मोटे शादी के गाउन खरीदने का फैसला किया वे खुद को गर्म रखने के लिए अंदर कपड़ों के अधिक टुकड़े पहन सकते थे तापमान कम होने के कारण वे अपनी शादी घर के अंदर ही आयोजित करेंगे हुआंगडेंग होटल उनकी स्पष्ट पसंद था शिनबेई अपनी शादी से एक सप्ताह पहले मातृत्व अवकाश ले सकती थी उनकी वार्षिक छुट्टी भी एक सप्ताह लंबी थी ताकि उनके पास अपनी शादी खत्म करने और अपने परिवार के साथ नए साल का त्यौहार मनाने के लिए पर्याप्त समय हो चूंकि रेड फ्लेम अन्य सैन्य टीमों से अलग थी इसलिए उन्हें किसी भी छुट्टियों के दौरान छुट्टी नहीं मिल सकती थी अगर उन्हें जाना भी पड़ा तो वे इसे बारी बारी से ही कर सकते थे वे एक साथ अनुपस्थित नहीं रह सकते थे अचानक कार्य हो सकते हैं और अपने देश की रक्षा करना उनका कर्तव्य था हर कोई शिन बेई की योजना से संतुष्ट था खासकर जब उसने काव वेनक्सिन और उसके परिवार को ध्यान में रखा इसलिए उन्होंने उसकी बात सुनने का फैसला किया राजधानी में जियांग लिलुओं और मियाओ जिंगजिंग शाम लगभग छह बजे सिहुआन लौट आए फिर उनकी मुलाकात जिंग जिंगयनियाओं और मियाओ जिंगजिंग से हुई जियांग लिलुओं और सी जिन के शानगुआन यांग के साथ संबंधों के बारे में जानने के बाद जिंग युनियाओं और मियाओ जिंगजिंग उनके साथ बहुत दोस्ताना थे हालांकि वे अभी अभी मिले थे इसलिए वे अधिक परिचित नहीं थे रिश्ता बनाने में समय लगेगा वैसे भी उनकी रुचियां समान थी इसलिए जिंग युनियाओं और मियाओ जिंगजिंग जिंग जब भी जरूरत होती उनकी मदद करने को तैयार रहते थे एक लंबे दिन के बाद जियांग लिलुओं और सी जिन को अंत खेती की दुनिया के बारे में पता चला लेकिन यह पहले ही अपनी महिमा खो चुका था स्वर्गीय क्लेश से गुजरने के बाद केवल कुछ कृषक ही जीवित बचे थे और स्वामी कम थे अब जियांग लिलुओं और सी जिन के स्तर का उल्लेख करना आवश्यक था जियांग लिलुओ गोल्डन कोर के मध्य चरण में था जबकि सी जिन प्राथमिक चरण में था वे प्रतिभाशाली कृषक थे क्योंकि जब दुर्घटना हुई तब वे बहुत छोटे थे उस समय जियांग केवल 22 वर्ष का था जबकि सी जिन केवल 19 वर्ष का था भले ही वे अपनी उम्र के समान युवा दिखते थे फिर भी वे लेंग शाउटिंग से वरिष्ठ थे क्योंकि वे उनसे पहले कृषक बन गए थे याओ अगर इन दिनों आपके पास खाली समय है तो उन्हें घूमने और आधुनिक समाज के बारे में और जानने के लिए ले जाइए आप उनके लिए कुछ कपड़े भी खरीद सकते हैं मैं उन्हें पैसे दूंगा वे उनके लिए स्वयं भुगतान कर सकते हैं शांगुआन यांग ने कहा शांुगुआन यांग का पैसा लेंग शाउटिंग द्वारा दिया गया था लेकिन वह बहुत उचित था लेंग शाउटिंग के गुरु के रूप में शांगुआन यांग ने उन्हें कई अनमोल चीजें सिखाई इसके अलावा खेती की दुनिया में किसानों ने एक जादुई गोली के लिए लाखों युवाओं का भुगतान किया शांगुआन यांग बहुत उदार थे और जब उन्होंने लेंग शाउटिंग को कुछ दिया तो उन्होंने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा उदाहरण के लिए दो क्या कुन बैग जो शामगुआन यांग ने लेंग शाउटिंग और जिंग युनियाओं को दिए थे अत्यधिक मूल्यवान थे अन्य कृषक इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे भले ही वे इसके लिए कितना भी भुगतान करने को तैयार हों शानगुआन यांग ने लेंग शाउटिंग को एक उड़ने वाली तलवार भी दी और उन्होंने पहले भी लेंग शाउटिंग को बचाया था इसलिए शांगुआन यांग ने लेंग शाउटिंग के लिए जो किया वह अमूल्य था और यह बहुत उचित था कि लेंग शाउटिंग ने अब शामगुआन यांग का समर्थन किया जियांग लिलुओ और सी जिन अभी तक अपने दम पर पैसा नहीं कमा सकते थे लेकिन वे शामगुआन यांग के समान संप्रदाय के थे इसलिए शामगुआन यांग को उनकी देखभाल करनी चाहिए पैसा कमाने के बाद वे शामगुआन यांग की भी देखभाल करेंगे कोई बात नहीं जिंग युनयाओ ने कहा उसने यह नहीं कहा कि वह उनके बिलों का निपटान कर सकती है क्योंकि इसे शामगुआन यांग पर छोड़ना सबसे अच्छा था अंकल शामगुआन मुझे नहीं लगता कि हमें और कपड़े खरीदने की जरूरत है क्योंकि जूनियर गुने हमारे लिए दो सेट तैयार किए हैं हमें कपड़े बदलने हैं सही जियांग ज्यांग और शामगुआन यांग शामगुआन यांग के पैसे खर्च करने को तैयार नहीं थे दो सेट मुश्किल से ही काफी है सर्दियों के लिए आपको कम से कम पांच सेट चाहिए आपको वसंत और गर्मियों के लिए विशेष रूप से गर्मियों के लिए अधिक कपड़ों की भी आवश्यकता होती है आखिरकार आपको गर्मियों में हर दिन बदलने की जरूरत है चिंता मत करो मेरे पास सब कुछ खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है यदि आप थोड़ा भी दोषी महसूस करते हैं तो आप पैसे कमाने के बाद मेरे लिए सामान भी खरीद सकते हैं शांगुआन यांग ने उन्हें अपने पैसे का उपयोग करने के लिए मनाने के लिए गंभीरता से कहा कुमा जियांग जियांगुओं और सी जिन उसे ठुकरा नहीं सकते थे क्योंकि वे शांगुआन यांग की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे और भविष्य में पैसा कमाने के बाद वे उसके लिए भी यही काम करने के लिए सहमत हुए भले ही वे शांुआन यांग के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे चाहे शांगुआन यांग ने उन्हें पैसे दिए हो या नहीं वे जानते थे कि अगर उन्होंने उसके पैसे लेने से इनकार कर दिया तो शांगुआन यांग पागल हो जाएंगे इसलिए जियांग लिलो और सी जिन ने उनकी दयालुता स्वीकार कर ली धन्यवाद अंकल शांगुआन अच्छे बच्चे जब जियांग लिलो और सी जिन सहमत हुए तो शांगुआन यांग फिर से मुस्कुराए शहर में भी काउ परिवार के घर में भोजन करने के बाद तांग यूनोम ने तांग तामहैफेंग को फोन किया और उसे शिन बेई और काउं वेनक्सिन के बारे में खबर दी टाइमहैफेंग ने जब सुना कि काउं वेनक्सिन शादी से पहले गर्भवती हो गई थी तो उसने गहरी आ भरी उसने नहीं सोचा था कि यह अच्छी बात है लेकिन वह काओ व्यक्सिन को नहीं डांटेगा क्योंकि यह पहले ही हो चुका था इसके लिए उसे दोष देना बेकार था खासकर इसलिए क्योंकि वह अपनी पोती को दुखी करने के लिए तैयार नहीं था इसके अलावा चूंकि शादी की तारीख पहले ही तय हो चुकी है इसलिए उन्हें शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए तांग परिवार के अन्य सदस्यों की भी यही राय थी जब गोमन ने खबर सुनी तो उसने काव्या को निजी बात करने के लिए एक तरफ खींच लिया काव्या मैं रूढ़िवादी नहीं हूं मुझे नहीं लगता कि यह भयानक है कि सिंह शादी से पहले गर्भवती हो गई लेकिन यह अच्छी खबर नहीं है हालांकि उस साल मेरे साथ भी यही हुआ था मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो मुझसे वादा करो कि तुम्हें विवाह पूर्व गर्भधारण नहीं होगा ठीक है एक बार जब आप शादी से पहले गर्भवती हो जाएंगी तो अफवाहें उड़ेंगी अब आप एक सेलिब्रिटी हैं गुमन ने कहा माँ आराम करो मैं नहीं करूंगा काव्या ने गुमन से एक गंभीर वादा किया काव्या ने पहले कभी भी विवाह पूर्व गर्भधारण के बारे में नहीं सोचा था और वह ऐसा होने भी नहीं देगी ऐसा होने से रोकने के लिए उसके पास अपना तरीका था लेकिन काओ वेंगसिन सिर्फ एक साधारण लड़की थी इसलिए दुर्घटनाएं हो सकती थी काव्या अभी भी जवान थी और वह अभी भी एक बच्ची थी भले ही उसने लेंग शाउटिंग से शादी कर ली हो लेकिन उसे जल्दी बच्चा नहीं होगा उसने तीस साल की उम्र में अपना पहला बच्चा पैदा करने की योजना बनाई थी आखिरकार उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना है

वे इसे तान युनफान के बिना अपने दम पर कर सकते थे लेकिन उन्हें निश्चित रूप से उम्मीद थी कि वह गुमान के साथ जा सकते हैं अगले दिन तान युनफान सुबह गुमान को अस्पताल ले गई उसके बाद काव्या भी अस्पताल गई क्योंकि गुमान को बस मेडिकल जांच करानी थी और कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना था तान परिवार के अन्य सदस्यों को उसके साथ जाने की जरूरत नहीं थी जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती तो वे दोबारा उससे मिलने जाते उनके पास प्रबंधन करने के लिए अपना स्वयं का व्यवसाय था इसलिए जब उनके पास समय होता तो वे गुमान से मिलने जाते थे यहां तक कि तांग यूनफान को एक बड़े व्यापारिक समूह का प्रबंधन करने की आवश्यकता थी इसलिए काव्या इन दिनों अस्पताल में गुमन के साथ रही जब तक उसे किसी चीज से निपटने की जरूरत न हो वह नहीं जाएगी तांग यूनफान ने गुमन की देखभाल के लिए दो पेशेवर और विश्वसनीय नर्सों को भुगतान किया और वे किसी भी समय उसकी डिलीवरी के लिए तैयार थी हालांकि वे नर्सें थी वे खाना पकाने में भी बहुत अच्छी थी इसलिए उन्होंने गुमन के लिए खाना बनाया गुमन एक वीआईपी वार्ड में रहता था जो एक शानदार अपार्टमेंट जैसा था जिसमें एक लिविंग रूम एक किचन एक मास्टर मास्टर बेडरूम रूम था गर्भवती महिला मास्टर बेडरूम सोती थी और उसकी देखभाल करने वाले लोग अतिथि कक्ष में सोते थे मास्टर बेडरूम एक बड़ा डबल डबल ताकि अगर काव्या को रात में गुमन की देखभाल करने की जरूरत हो तो वह गुमन के साथ सो सकती थी और अगर तांग युनफान आ जाता तो काव्या हुआफू हिल्स या तांग परिवार के घर वापस चली जाती वह उन दोनों के लिए जगह छोड़ देगी गुमन पहले अस्पताल आई थी लेकिन बच्चे के आने से पहले उसे घूमना फिरना जरूरी था इसलिए जब तैन युनफान अनुपस्थित होता तो काव्या गुमान को टहलने के लिए बाहर ले जाती यह सिटी बी का सबसे उन्नत प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल था यह बड़ा था और वहां बहुत सारे लोग या मरीज नहीं थे इसलिए बाहर टहलना कोई बड़ी समस्या नहीं थी यदि यह एक सामान्य अस्पताल होता तो वहाँ सभी प्रकार की बीमारियों के बहुत सारे मरीज होते जो गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा नहीं था अंत में बाहर ठंड थी इसलिए काव्या और गुमन बाहर नहीं गए वे केवल इमारत में इधर उधर घूमते रहे काव्या की उपस्थिति के कारण गुमन खतरे में नहीं होगा इसलिए नर्सों ने वार्ड में आराम किया काव्या अगर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत है तो तुम जा सकती हो और उससे निपट सकती हो तुम्हें हर समय मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है काव्या द्वारा लंबे समय तक उसके साथ रहने के बाद गुमन ने कहा वह जानती थी कि काव्या बहुत व्यस्त है इसलिए वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी यह ठीक है अगर वास्तव में मुझे इससे निपटने की कोई जरूरत है तो मैं जाऊंगी काव्या ने कहा चूंकि काव्या ने ऐसा कहा गुमन ने जोर नहीं दिया काव्या बहुत होशियार थी अगर उसे कोई भी काम करना होता तो वह खुद ही चली जाती थी तुम्हारी मौसी कल आएंगी मुझे लगता है कि वे हमेशा की तरह हुआफू हिल्स में रह सकते हैं गुमान ने कहा क्योंकि गुमन डिलीवरी देने वाला था गुकविंग और गुक इन्यांग निश्चित रूप से उपस्थित होंगे हालांकि वे भी काम में व्यस्त थे इसलिए वे जल्दी नहीं आ सके जियांगजू उनमें से सबसे व्यस्त था उनका जूरी कंस्ट्रक्शन मटीरियल स्टोर स्टोर नहीं था और 100 मिलियन युआन से मिलियन युवा के साथ एक बड़ी कंपनी के रूप में विकसित हो गया था वह पहले ही सिटी एफ की हाई सोसाइटी में शामिल हो चुका था सिटी एफ और सिटी एफ के आसपास के कई अन्य शहरों के कई निर्माण सामग्री विक्रेता जियांगजू से खरीदारी करेंगे हालांकि उनमें से कई ने काव्या की वजह से ऐसा किया जुरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोर था और उसकी कीमतें उचित थी यदि जियांग जो अपने व्यवसाय के प्रबंधन के लिए केवल काव्या पर निर्भर था तो लोग जल्द ही इसके बारे में सुनेंगे आख़िरकार काव्या के बारे में खबरें इंटरनेट पर आसानी से वायरल हो जाएंगी वो किन्यांग को भी पदोन्नति मिली इसलिए अब उनके पास करने के लिए बहुत काम था हालांकि वह अभी तक अधिकारी नहीं बना था फिर भी वह नेतृत्व का सदस्य था जब तक उन्होंने अच्छा काम किया और निर्देशक बने यह केवल समय की बात होगी क्योंकि जियांग जू और गुकन्यान दोनों व्यस्त थे वे केवल तभी आ सकते थे जब मान की डिलीवरी होने वाली थी और वे केवल दो दिनों के लिए रुकेंगे गुकविंग और वेन यूलान कुछ दिन पहले आ सकते हैं और कुछ और दिनों तक अस्पताल में रह सकते हैं कामे ब्यूटी सैलून बहुत लोकप्रिय था और स्टोर हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था हालांकि बॉस के रूप में गुकिंग को सब कुछ अपने आप करने की जरूरत नहीं थी उसे बस खातों की जांच करनी थी और अपने ग्राहकों के साथ मिलजोल बढ़ाना था इसलिए उसके पास पर्याप्त समय था वेन यूला ने दो महीने पहले ही नौकरी छोड़ दी थी और अब वह सिटी डी में कामे ब्यूटी सैलून की एक शाखा का प्रबंधन कर रही थी हालांकि यह केवल एक महीने के लिए खुला था लेकिन यह बेहद लोकप्रिय था आखिरकार कामे ब्यूटी सैलून की बहुत प्रसिद्धि थी जब सिटी डी में कोई कमे ब्यूटी सैलून नहीं था तो कई महिलाएं अपनी त्वचा की देखभाल के लिए सिटी एफ में चली गई कामे ब्यूटी सैलून में त्वचा की देखभाल करने वाली दस महिलाओं में से आठ वफादार प्रशंसक बन गई और सदस्यता में शामिल हो गई अब सिटी डी में कामे ब्यूटी सैलून की एक शाखा थी इसलिए वे सिटी डी में त्वचा देखभाल सेवा का आनंद ले सकते थे कई लोगों ने उस अवसर को देखा और कामे ब्यूटी सैलून में शामिल होने की कोशिश की लेकिन बुकिंग ने उन्हें ठुकरा दिया इससे उन्हें कुछ परेशानी भी हुई वेन यूलान उनकी रिश्तेदार थी इसलिए बुकिंग ने उन्हें व्यवसाय में शामिल होने की अनुमति दी आखिरकार कामी ब्यूटी सैलून की अधिक से अधिक शाखाएं होंगी वेन यूलान ने अपनी नौकरी छोड़ने में संकोच नहीं किया और एक बिजनेस वुमन बन गई आखिरकार वह नियमित नौकरी करके ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकती थी उसका वेतन केवल एक औसत जीवन ही व्यतीत कर सकता था उनके बच्चे अभी छोटे थे और उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं थी लेकिन जब उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे तो उन्हें और पैसे कमाने थे दरअसल कम आय वाले परिवार कॉलेज की ट्यूशन फीस वहन कर सकते थे और उन्हें ऐसा करने में सक्षम भी होना चाहिए लेकिन वे अपने बच्चों को बेहतर जीवन प्रदान करना चाहते थे हर किसी की महत्वाकांक्षा थी यदि वे अधिक पैसा कमा सकते हैं तो वे मौका नहीं चुकेंगे हालांकि व्यवसाय चलाना जोखिम भरा था फिर भी वह व्यवसाय का प्रबंधन करके अधिक पैसा कमा सकती थी और कामे ब्यूटी सैलून अब एक लोकप्रिय ब्रांड था ऐसे अनगिनत लोग थे जो इसमें शामिल होना चाहते थे वेन यूलान मूर्ख नहीं थी और इतना अच्छा मौका नहीं चुकती थी शायद वह एक साल के भीतर ही इतना पैसा कमा ले जिससे उसका पूरा जीवन सर हो सके वास्तविकता ने साबित कर दिया कि उसकी पसंद सही थी केवल एक महीने के भीतर उसने तीन लाख युआन से अधिक की कमाई की जो सजावट शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त था दो महीने के बाद न केवल सजावट शुल्क का भुगतान किया जा सका बल्कि किराया भी चुकाया गया जिसके बाद वह पैसे कमाना शुरू कर सकी हालांकि भले ही व्यवसाय लाभदायक था गुकन्यांग को अभी भी काम करने की ज़रूरत थी क्योंकि वह सरकार में एक पद भी चाहते थे इसके अलावा अगर वेन यूलान का व्यवसाय खराब हो जाता तो गुकन्यांग अभी भी उनके परिवार का समर्थन कर सकता था जरूर काव्या ने कहा वह गुकविंग और वेन यूलान को हुआफू हिल्स में रहने देने पर सहमत हो गई लगभग बीस मिनट तक टहलने के बाद वे वापस जाकर आराम करने के लिए तैयार थे हालांकि इसी समय दो पुरुष और तीन महिलाएं अचानक उनके पास के एक वार्ड से बाहर आ गए एक वृद्ध महिला को छोड़कर वे सभी युवा थे एक युवा महिला अपनी गोद में एक बच्चे को ले जा रही थी और पगड़ी और पायजामा पहने एक पीले चेहरे वाली महिला रास्ते में रोती हुई उसका पीछा कर रही थी उसकी अभी अभी डिलीवरी हुई थी और वह बच्चे को छीनना चाहती थी बच्चे को मुझे वापस दे दो मुझे वह लौटा दो यह एक घटिया लड़की है हमें तो लड़का ही चाहिए हमें लड़की नहीं चाहिए महिला ने तेज स्वर में कहा यह सुनकर काव्या तुरंत पागल हो गई गुमन भी क्रोधित था वे यह सुनने को तैयार नहीं थे कि लोग कहते हैं कि लड़कियां सस्ती हैं इसके अलावा वह एक महिला भी थी वह लड़कियों का तिरस्कार कैसे कर सकती थी मैं वास्तव में यह नहीं समझ पाता कि ऐसी महिलाएं क्यों हैं जो लड़कियों का तिरस्कार करती है यह अनुचित है गोमान ने गुस्से से कहा उसे भी वही दर्दनाक अनुभव झेलना पड़ा था जहां उसका परिवार लड़कों को लड़कियों की तुलना में बहुत अधिक महत्व देता था इसलिए वह इसके प्रति बहुत संवेदनशील थी माँ बैठो मुझे एक नज़र देखने दो काव्या ने गुमन को पास के सोफे पर बैठने के लिए सहारा दिया क्योंकि उसे लगा कि स्थिति खराब हो सकती है और उसे इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो सकती है उसे पहले गुमन को बैठने देना पड़ा बहुत बढ़िया जाकर देखो अगर संभव हो तो उस गरीब महिला की मदद करें उसे उसके बच्चे से वंचित न होने दे गुमन समझ गया कि काव्या सिर्फ नाटक देखने नहीं जा रही थी इसलिए उसने उसे नहीं रोका इसके बजाय उसे सचमुच उम्मीद थी कि काव्या उस गरीब महिला की मदद कर सकती है बेचारी महिला ने उसे याद दिलाया कि उसने क्या सहा है इसलिए वह वास्तव में इस त्रासदी को बर्दाश्त नहीं कर सकी बेशक काव्या ने कहा फिर चली गई लेकिन इसी दौरान एक हादसा हो गया जब लोगों का समूह एक दूसरे को धक्का दे रहा था और खींच रहा था तो बच्चा युवती की गोद से गिर गया यह देखकर काव्या डर गई यह बहुत छोटा बच्चा था गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो सकती है आखिरकार एक बच्चा बहुत कमजोर था नहीं मां चिल्ला उठी वह अपने बच्चे को पकड़ना चाहती थी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बहुत सारे लोग उसके रास्ते में खड़े थे हालांकि गुमन ने यह नहीं देखा कि बच्चा कब गिरा लेकिन वह माँ की चीख से डर गई थी काव्या तुरंत दौड़ी लेकिन वह अभी भी कुछ सेकंड देर से थी बच्चा पहले ही तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गया किसी को नहीं पता था कि बच्चा बेहोश हो गया था या मर गया लेकिन उसने कोई चीख नहीं निकाली लेकिन इस पल काव्या का दिल दुख गया उसे सचमुच उम्मीद थी कि बच्चा ठीक है जब तक उसकी सांस चलती वह बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती अन्य लोग इस दुर्घटना से स्तब्ध रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक क्या करें बच्चे के जमीन पर गिरने के तुरंत बाद काव्या उनके पास पहुंची और उसके रास्ते में खड़े दो लोगों को सीधे नीचे गिरा दिया एक पुरुष था जबकि दूसरी वृद्ध महिला थी क्योंकि काव्या इस समय गुस्से में थी उसने बहुत ताकत लगाई और सीधे उन्हें गिरा दिया वे जोर से जमीन पर गिर पड़े और दर्द से चिल्लाने लगे खासकर वृद्ध महिला वह ऐसे चिल्लाए मानो उसे मार डाला जाएगा यह समझ में आने योग्य था क्योंकि प्रहार के बाद पुरुष और महिला दोनों का एक हाथ टूट गया था वह आदमी वृद्ध महिला जितनी जोर से नहीं चिल्लाया इस वक्त उनकी चीख से हर कोई हैरान रह गया वे उनकी ओर देखने के लिए मुड़े लेकिन कोई भी उन्हें अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में मदद करने के लिए नहीं गया इसके बजाय उन्होंने काव्या को आश्चर्य से देखा क्योंकि वह इतनी मजबूत थी और आसानी से दो लोगों को नीचे गिरा देती थी बिना किसी हिचकिचाहट के काव्या ने बच्चे को उठाया और उसमें जादुई शक्ति डाल दी सौभाग्य से बच्चा मर चुका था और अभी भी सांस ले रहा था हालांकि गिरने के बाद यह गंभीर रूप से घायल हो गया काव्या के बिना अस्पताल शायद उसे बचा नहीं पाएगा आखिरकार एक बच्चा बहुत कमजोर था और वह गिरने का बल सहन नहीं कर सका बच्चे की मां तुरंत बच्चे को ले जाना चाहती थी लेकिन काव्या बहुत तेज थी और उसने यह काम उससे पहले ही कर लिया ठीक इसी समय गुमान ने देखा कि बच्चे को जमीन पर फेंक दिया गया था वह डर के मारे कांपने से खुद को नहीं रोक सकी वे ऐसा कैसे कर सकते थे गुमान को नहीं पता था कि उन्होंने यह जानबूझकर किया था या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी लेकिन उनकी वजह से बच्चा जमीन पर गिर गया था इसलिए उसने यह गलत नहीं सोचा कि काव्या ने उन्हें घायल कर दिया यदि गुमान स्वतंत्र रूप से घूम सकती है तो वह निश्चित रूप से काव्या की मदद करने के लिए जाएगी मेरा बच्चा मेरा बच्चा बच्चे की माँ दौड़ी और काव्या की बाह से बच्चे को छीनने की कोशिश की लेकिन काव्या ने उसे टाल दिया अगर आप नहीं चाहते कि बच्ची मर जाए तो अभी उसे न छुए काव्या ने गंभीरता से कहा यह सुनकर माँ एकदम से रुक गई वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा मर जाए इस समय कई डॉक्टर और नर्स आए और बच्चे को चिकित्सा जांच और उपचार देने के लिए काव्या से दूर ले जाना चाहते थे लेकिन काव्या ने उन्हें भी टाल दिया मिस कृपया बच्चा हमें वापस दे दीजिए हम तुरंत इसका इलाज करेंगे अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो आप उसका नतीजा बर्दाश्त नहीं कर सकते एक महिला डॉक्टर ने गंभीरता से कहा कृपया कृपया मेरे बच्चे को बचाएं माँ एकदम से चिंतित हो गई जाहिर तौर पर उसे काव्या से ज्यादा डॉक्टर पर भरोसा था एक सेकंड रुको काव्या ने कहा इंतजार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करने के लिए कहने की अगर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं डॉक्टर ने काव्या पर तंज कसा जरूर अगर बच्चे के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगी काव्या ने गंभीरता से भौहें चढ़ाते हुए कहा हालांकि डॉक्टर का रवैया खराब था यह समझ में आता था इसलिए काव्या पागल नहीं थी आखिरकार कोई भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करेगा इसके अलावा बच्चा वास्तव में बुरी तरह घायल हो गया था और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं डॉक्टर ने फिर पूछा उसे अब भी काव्या पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि काव्या बहुत छोटी लग रही थी उनके लिए उस पर भरोसा करना असंभव था इस बार काव्या को गुस्सा आ गया उसने डॉक्टर की ओर उदासीनता से देखा और कहा यदि आप जिम्मेदार हैं तो आपको बिना कुछ किए उन्हें लड़ते हुए नहीं देखना चाहिए था आपने सबसे पहले इस त्रासदी को घटित होने से क्यों नहीं रोका मैं डॉक्टर को समझ नहीं आया कि वह अचानक क्या कहे वृद्ध महिला श्रीमती शेन की उच्च स्थिति के कारण उन्होंने पहले उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की हालांकि अप्रत्याशित रूप से बच्चे को फर्श पर फेंक दिया गया यह कुछ हद हाँ तक उनकी गलती थी इसलिए वे बच्चे की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित थे आप क्या कर रहे हैं अभी मेरी मदद करो वृद्ध महिला गुस्से से चिल्लाई चूंकि उसके लिए अपने आप खड़ा होना बहुत दर्दनाक था इसलिए वह दर्द से रोने भी लगी यह सुनकर उसके बगल के अन्य लोग होश में आए और तुरंत उसे अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में मदद करने के लिए गए हालांकि जैसे ही उन्होंने बुजुर्ग महिला और पुरुष की बाहों को छुआ वे दर्द से चिल्लाने लगे यह दुखदायक है नम्र रहो वृद्ध महिला चिल्लाई ऐसा लगता है कि मेरा हाथ उखड़ गया है आदमी ने कहा तुम छोटे बिचा तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई श्रीमती शेन ने काव्या की ओर ऐसे देखा मानो वह काव्या को टुकड़े टुकड़े कर देगी उसकी दृष्टि का सामना करते हुए काव्या पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वे बहस कर रहे थे गुमन दूर से नहीं सुन सका कि वे किस बारे में बात कर रहे थे अगर उसने सुना कि श्रीमती शेन ने काव्या को कैसे बुलाया तो वह निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगी महिला डॉक्टर जल्द ही शांत हो गई और फिर से बोली मिस काव्या भले ही यह हमारी गलती है कि हम बच्चे को गिरने से रोकने में असफल रहे आपको इसे हमें वापस दे देना चाहिए हमें जल्द से जल्द इसकी चिकित्सीय जांच और इलाज कराना चाहिए अन्यथा हम पुलिस को बुलाएंगे क्योंकि आपने जानबूझकर हमें बच्चे को बचाने से रोका है यह सुनकर बच्चे की मां डर गई हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि काव्या जानबूझकर उन्हें बच्चे को बचाने से रोक रही थी फिर भी वह अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बच्चे का तुरंत इलाज किया जाना जरूरी था मिस तृपया मेरे बच्चे को डॉक्टर को दे दीजिए उसने विनती की हास्यास्पद यह तो बस एक घटिया लड़की है यह बेहतर है कि वह मर गई एक बार जब वे समाप्त हो गए श्रीमती शेन उन पर चिल्लाई वह डॉक्टर को बच्चे को बचाने देने के लिए तैयार नहीं थी जब बच्चा जमीन पर गिरा तो पहले तो वह डर गई लेकिन अब उसने सोचा कि बेहतर होगा कि बच्चा मर जाए मां बच्चे की मां श्रींती शेन की बहू को भारी आघात पहुँचाया गया श्रींती शेन इतनी क्रूर कैसे हो सकती है वह भी एक महिला थी जब तक तुम एक लड़के को जन्म नहीं दे सकती मुझे माँ मत कहो जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा श्रीमती शेन ने उस पर तंस कसा ठीक इसी समय बच्चा रोया इसकी जान खतरे से बाहर थी और आखिरकार यह जाग गया मेरा बच्चा जूनियर मिसेज शेन तुरंत उत्तेजित हो गई और बच्चे को काव्या की गोद से दूर ले जाना चाहती थी लेकिन काव्या ने उन्हें एक बार फिर टाल दिया यदि आप नहीं चाहते कि बच्चे को चोट लगे तो मुझे इसे ले जाने दीजिए आप अभी इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते चिंता मत करो चूंकि मैं इसकी जान बचा सकता हूं मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह ठीक रहे यहाँ सब कुछ तय हो जाने के बाद आप बच्चे को मेडिकल जाँच के लिए ले जा सकते हैं यह अब पहले से ही बच गया है काव्या ने जूनियर मिसेस शेन को यह याद दिलाने के लिए कहा कि उनकी वजह से ही बच्चा दोबारा जाग सका वह तारीफ़ नहीं चाह रही थी बल्कि जूनियर मिसेस शेन का विश्वास पाना चाहती थी यह सुनकर जूनियर श्रींती शेन ने काव्या पर भरोसा करना चुना इसलिए नहीं कि कोई अजनबी उसे आसानी से समझा सकता था बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपने बच्चे की सुरक्षा की अधिक परवाह थी उसका बच्चा वास्तव में बेहोश हो गया था और काव्या द्वारा उसे कुछ देर तक उठाने के बाद वह जाग गया इसलिए उसने काव्या की बात मान ली इसके अलावा वह अब मुश्किल से ही स्थिर रूप से खड़ी हो पाती थी यदि वह बच्चे को ले जाती है तो वह दुर्घटनावश गिर सकती है या फिर उससे बच्चा छीन लिया जा सकता है यह बच्चे के लिए बुरा था हालांकि अन्य डॉक्टरों और नर्सों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि काव्या ने बच्चे को बचाया उन्हें लगा कि कहीं बच्चे को ज्यादा चोट तो नहीं लगी है हालांकि गिरने के बाद इतने कमजोर बच्चे के घायल होने की बहुत अधिक संभावना थी यह ठीक भी हो सकता था यह उसके भाग्य पर निर्भर था खैर उन्हें भी राहत थी कि बच्चा बच गया नहीं तो इसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता था धिक्कार है तुम छोटे बीचा तुमसे सस्ती लड़की को बचाने के लिए किसने कहा था वरिष्ठ श्रीमती शेन क्रोधित हो गई जब उन्होंने देखा कि बच्चा बच गया यदि वह घायल नहीं होती और हिल सकती तो वह निश्चित रूप से काव्या के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए दौड़ती जूनियर श्रीमती शेन का दिल टूट गया था उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सांस इतनी निर्दयी है कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हें गला घोट कर नहीं मार डाला काव्या ने सीनियर मिसेज शेन की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा इस समय काव्या को वास्तव में आश्चर्य हुआ कि जो महिलाएं लड़कों को लड़कियों की तुलना में बहुत अधिक महत्व देती थी उन्हें पैदा होने के बाद गला दबाकर क्यों नहीं मार दिया जा रहा था यह एक पागलपन भरा विचार था लेकिन वे महिलाएं जो लड़कों को लड़कियों की तुलना में बहुत अधिक महत्व देती थी वास्तव में दुष्ट थी वे भी महिलाएं थी तो वे अन्य महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह कैसे रख सकती थी क्या उन्हें लड़कियों से हमदर्दी नहीं होनी चाहिए छोटी बिचा तुमने क्या कहा तुम्हें गला घोंट मार डाला जाना चाहिए वरिष्ठ श्रीमती शेन गुस्से में थी वह अपने साथ के दो व्यक्तियों की ओर मुड़ी और आदेश दिया उस छोटी सी लड़की ने मुझे घायल कर दिया अभी जाकर उसे पकड़ो अगले ही पल दोनों व्यक्तियों ने कार्रवाई की जूनियर श्रीमती शेन डर गई वह नहीं चाहती थी कि काव्या और उसके बच्चे को चोट लगे इसलिए वह तुरंत काव्या और उसके बच्चे की रक्षा के लिए खड़ी हो गई आप ऐसा नहीं कर सकते बंद एक आदमी चिल्लाया फिर जूनियर मिसेज शेन को खींचने के लिए आगे बढ़ा हालांकि इससे पहले कि वह जूनियर मिसेज शेन को छूता काव्या ने पहले उसे खींच लिया और सीधे उन्हें लात मार दी उनमें से एक ने उस युवती को नीचे गिरा दिया जो पहले बच्चे को वार्ड से बाहर ले गई थी जिससे महिला भी जोर से जमीन पर गिर गई एक पल में वे दोनों दर्द से चिल्लाने लगे क्योंकि काव्या ने अपने पैरों में कुछ जादुई ऊर्जा का इस्तेमाल किया था दोनों व्यक्तियों को अपने पेट और पूरे अंगों में तेज दर्द महसूस हुआ वे अब मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो सके उस दृश्य को देखकर हर कोई हैरान रह गया क्योंकि काव्या इतनी ताकतवर थी यह अविश्वसनीय था कि उसने कुछ मीटर दूर एक वयस्क को आसानी से लात मार दी आप वरिष्ठ श्रींती शेन काव्या से डर गई अगर वह हिल सकती तो सच में वह काव्या से बहुत दूर रहना चाहती थी चूंकि वह भी घायल थी इसलिए उसे शक नहीं था कि काव्या उस पर एक बार फिर हमला करेगी वैसे भी भले ही वह काव्या से डरती थी फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया इसके विपरीत काव्या ने उन्हें घायल कर दिया था और उस बच्चे को बचाया था जो वह नहीं चाहती थी इसलिए उसने काव्या पर मुकदमा करने का फ़ैसला किया क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं तुम्हारी हमें चोट पहुँचाने की हिम्मत कैसे हुई मैं तुम्हें इसके लिए भुगतान कर दूंगा वरिष्ठ श्रींती शेन ने धमकी दी उसने काव्या को अपने ऊंचे रुतबे से धमकाने की कोशिश की क्योंकि उसे काव्या की पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी यह सुनकर वरिष्ठ श्रींती शेन अब चिंतित नहीं थी क्योंकि सिटी बी में शेन परिवार का बहुत प्रभाव था शेन परिवार के लिए एक युवा लड़की के लिए परेशानी पैदा करना आसान नहीं हो सकता था हालांकि काव्या को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी बहुत बढ़िया मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो आप वरिष्ठ श्रीमती शेन क्रोधित हो गई जब काव्या ने उनका तिरस्कार किया बहुत अच्छा चलो देखते हैं बिना देर किए उसने अपना फोन निकाला और कॉल कर दी काव्या ने जूनियर मिसेज शेन को घूर कर देखा फिर पूछा अब आप क्या करने की योजना बना रही है जूनियर श्रीमती शेन उदास लग रही थी मैं तलाक ले लूंगा यह मेरा बच्चा है मैं उसे अकेले पालूंगा काव्या दरअसल जूनियर मिसेज शेन का रवैया जानना चाहती थी यदि यह सिर्फ सीनियर मिसेज शेन का विचार था और इसका जूनियर मिसेज शेन के पति से कोई लेना देना नहीं था तो जूनियर मिसेज शेन को तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं थी हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि जूनियर श्रींती शेन के पति भी लड़कियों से अधिक लड़कों को महत्व देते थे इसलिए जूनियर श्रींती शेन ने तलाक लेने का फ़ैसला किया वरिष्ठ श्रींती शेन ने जल्दी में कहा आप जा सकते हैं लेकिन जागीर वापस लेने की कोशिश कभी न करें यह एक बहुत महंगी जागीर थी और वह जूनियर श्रींती शेन को इसे वापस लेने की अनुमति नहीं देती थी यह मेरे परिवार की संपत्ति है मैं इसे वापस क्यों नहीं ले सकता जूनियर श्रीमती शेन गुस्से से चिल्लाई वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे अब वरिष्ठ श्रीमती शेन को खुश करने की आवश्यकता नहीं थी आखिरकार वरिष्ठ श्रीमती शेन चाहती थी कि उनकी नवजात बेटी मर जाए वह सीनेटर श्रींती शेन से अब मौत तक नफ़रत करती थी अतीत में वह अपने परिवार के सामंजस्य के लिए वरिष्ठ श्रींती शेन के गुस्से को सहन करती थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह मुस्कुरा कर इसे सहन कर लेगी जिस तरह से वरिष्ठ श्रींती शेन ने अपनी नवजात बेटी के साथ व्यवहार किया उससे उन्हें बहुत दुख हुआ वरिष्ठ श्रींती शेन ने दबंग स्वर में कहा शु जागीर आपका दहेज है और यह अब हमारे परिवार की है जूनियर मिसेज शेन का नाम शु था यह मेरी शादी से पहले मेरा था यह मेरा है भले ही मैं आपके परिवार में शादी करूं, जागीर का शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं है मत भूलो कि कानून के मुताबिक मैं अभी आपकी बहू नहीं हूं। हालांकि मेरे पिता नहीं रहे फिर भी तुम तो मुझे अपनी इच्छानुसार धमका नहीं सकते मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ शू फांगे ने कहा क्योंकि शू फांगे के पिता का पहले ही निधन हो चुका था और उनकी माँ का स्वास्थ्य खराब था वरिष्ठ श्रीमती शेन हमेशा उनका तिरस्कार करती थी और उन्हें महत्व नहीं देती थी उसके पीछे कोई सहारा नहीं था आमतौर पर वरिष्ठ श्रींती शेन शू फांगी पर केवल मौखिक दुर्व्यवहार करती थी और वास्तव में उन्हें प्रताड़ित नहीं करती थी शू शुफांगी के पति शेन लियांग ने उनके साथ बिना अधिक स्नेह के व्यवहार किया लेकिन उन्होंने बच्चे के लिए इसे स्वीकार कर लिया वास्तव में वह जानती थी कि वरिष्ठ श्रीमती शेन और शेन लियांग दोनों लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व देती थी एक बार जब उन्हें पता चला कि यह एक लड़की है तो वरिष्ठ श्रींती शेन ने उन्हें गर्भपात कराने के लिए कहा शेन लियांग सहमत हो गई लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया बाद में शेन लियांग के पिता शू शूफांगे के ससुर बाहर खड़े हुए और उन्हें रोका इसलिए बच्चे को रखा गया शेन लियांग के पिता भी एक पोता चाहते थे लेकिन वह लड़की का गर्भपात कराने पर असहमत थे वैसे भी शू फांगे फिर से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है इसलिए शू फांगे का गर्भपात नहीं हुआ अप्रत्याशित रूप से वरिष्ठ शिमपी शेन बच्ची को नहीं चाहती थी और उसे दूर भेजने पर जोर देती थी उसने यहां तक कहा कि शेन लियांग सहमत है इसलिए शू फांगे ने तलाक लेने का फैसला किया यदि शेन लियांग ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होता और उसके लिए खड़ा होता तो वह उसे तलाक नहीं देती यदि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था तो वे वरिष्ठ श्रीमती शेन से दूरी बनाए रख सकते थे दुर्भाग्यवश उसका पति भी उसकी रक्षा करने को तैयार नहीं था मुझे कानून से डराने की कोशिश मत करो यह दहेज है और अब यह हमारा है वरिष्ठ श्रीमती शेन ने शू फांगे की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया वह कानून के बारे में बहुत कम जानती थी और बेहद स्वार्थी थी इसलिए उसे विश्वास था कि यह उसका है चलो चले और देखें शुफांगी ने तर्क दिया चाहे कुछ भी हो वह उन्हें अपनी जागीर चुराने नहीं देगी जागीर का संपत्ति विलेख उसी का था उसे विश्वास नहीं था कि उनके पास इसे अपने नाम पर हस्तांतरित करने की क्षमता है जब तक उनके पास उसके हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक यह अवैध होगा भले ही उन्होंने कनेक्शन के माध्यम से उसकी जागीर चुरा ली हो मुझे इंतजार मत कराओ वरिष्ठ श्रीमती शेन ने खर्राटा लिया क्या मैं मदद कर सकता हूँ काव्या ने पूछा शु फांगी ने चिंता दिखाई शेन परिवार सिटी बी में एक प्रमुख परिवार है मैं आपको परेशानी में नहीं घसीटना चाहता हालांकि जागीर उसकी थी और उसकी सहमति के बिना उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं मिल सकता था उसे चिंता थी कि वे गंदी चाले खेलेंगे क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी प्रभाव के तुम्हारी मदद करने का साहस करता हूँ शेन परिवार की तुलना बमुश्किल मुझसे की जा सकती है मैं वादा करती हूँ कि आप अपनी संपत्ति अपने पास रख सकते हैं और आपने जो सहा है उसके लिए आपको भुगतान मिलेगा काव्या ने कहा वह शेन परिवार की कम परवाह नहीं कर सकती थी यह सुनकर शू फंगे को एहसास हुआ कि काव्या एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगी बिल्कुल नहीं हम उसे एक प्रतिशत भी नहीं देंगे वरिष्ठ श्रीमती शेन ने गुस्से से कहा उसने जागीर लौटाने से इनकार कर दिया इसलिए उसके लिए मुआवजा देना असंभव था ओ और यह आपका काम नहीं है इसलिए बेहतर होगा कि आप इसमें शामिल न हो वरिष्ठ श्रीमती शेन को डर था कि काव्या शेन परिवार से अधिक प्रभावशाली थी इसलिए वह नहीं चाहती थी कि काव्या इसमें शामिल हो काव्या ने कहा अगर आप नहीं चाहते कि मैं इसमें शामिल हों तो तलाक के बाद उसे अपना सामान और शेन परिवार द्वारा दिया गया मुआवजा वापस लेना चाहिए वह निश्चित रूप से जानती थी कि वरिष्ठ श्रीमती शेन सहमत नहीं होंगी इसलिए वह बस उनका मजाक उड़ा रही थी असंभव बिना किसी आश्चर्य के वरिष्ठ श्रीमती शेन को गुस्सा आ गया उस पर सहमत होना उसके लिए असंभव था मिस कृपया एक अच्छा वकील नियुक्त करने में मेरी मदद करें मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी रहूंगा शू फांगे ने कहा उसके पास एक अच्छा वकील नियुक्त करने के लिए पैसे की कमी नहीं थी लेकिन वह खुद कोई वकील नहीं ढूंढ पाई सबसे पहले उसके पास शक्ति या प्रभाव नहीं था जबकि शेन परिवार उससे कहीं अधिक प्रभावशाली था इसलिए उसके लिए एक अच्छा वकील ढूंढना कठिन था जो शेन परिवार के खिलाफ उसकी मदद करने को तैयार हो शुफांगे खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसकी मुलाकात एक ऐसी युवा लड़की से हुई जिसमें न्याय की प्रबल भावना थी अन्यथा उसे ईमानदारी से पता नहीं होता कि आज क्या करना है जरूर काव्या ने कहा उसे शुफांगे को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं थी वह बस उनसे एक कमजोर महिला और एक नवजात शिशु को इस तरह धमकाने से नफरत करती थी इसके बाद काव्या ने बच्चे को डॉक्टर को सौंप दिया इस समय बच्चा पूरी तरह से ठीक था लेकिन शू फांगे के दिमाग को आराम देने के लिए उसे अभी भी चिकित्सा जांच की आवश्यकता थी अब आप बच्चे को मेडिकल जांच के लिए ले जा सकते हैं लेकिन मां के अलावा किसी को भी इसे ले जाने न दें हालांकि डॉक्टर काव्या के रवैये से नाखुश थे लेकिन उसने किसी और को बच्चे को ले जाने की अनुमति देने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह मुसीबत में घसीटे जाने को तैयार नहीं थी वरिष्ठ श्रीमती शेन बच्चे को चुराना चाहती थी लेकिन अब वह मुश्किल से हिल पा रही थी उसे चुराना तो दूर की बात थी हालांकि उसकी बाह में बहुत दर्द था और वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी मेरी बाह का इलाज करने के लिए किसी डॉक्टर को बुलाऊं उसने चिल्लाकर महिला डॉक्टर को बुलाया श्रीमती शेन कृपया एक सेकंड रुके मैं अभी आपका इलाज करने के लिए दूसरे डॉक्टर को बुलाऊंगी महिला डॉक्टर ने कहा हालांकि उसे अभी नवजात शिशु की देखभाल करनी चाहिए फिर भी उसने वरिष्ठ श्रीमती शेन को लावारिस छोड़ने की हिम्मत नहीं की हालांकि यह एक प्रसूति एवं स्त्री रोग अस्पताल था लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सभी डॉक्टर केवल प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान के बारे में जानते थे और अन्य रोगियों का इलाज नहीं कर सकते थे एक ही क्षेत्र में ज्ञान संबंधित था इसलिए डॉक्टरों को कुछ हद तक विभिन्न रोगियों का इलाज करना आना चाहिए इसके अलावा अव्यवस्था कोई गंभीर चोट नहीं थी और कई डॉक्टर उस समस्या का समाधान कर सकते थे काव्या ने अन्य डॉक्टरों को वरिष्ठ श्रींती शेन और दूसरे व्यक्ति का इलाज करने से नहीं रोका लेकिन उसने ऐसा नहीं किया भले ही वह इसके बारे में कुछ करने जा रही हो वह इसे और भी बदतर बना देगी आप अब जा सकते हैं बस इसे मुझ पर छोड़ दो काव्या ने शू फांगी से कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद शू फांगी ने एक बार फिर काव्या को धन्यवाद दिया फिर महिला डॉक्टर के पीछे पीछे चली गई छोटी लड़की जाने की हिम्मत मत करना मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें वापस भुगतान कर दूंगा वरिष्ठ श्रीमती शेन ने काव्या को चिल्लाया आराम करो मैं नहीं जाऊंगा मैं बस यही प्रतीक्षा करूंगा लेकिन बेहतर होगा कि आप अपनी भाषा पर ध्यान दें अगर तुमने मुझे फिर से गाली देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे चेहरे पर तब तक तमाचा मारूंगी जब तक तुम चुप नहीं हो जाते काव्या ने कहा आप वरिष्ठ श्रीमती शेनहार मानने को तैयार नहीं थी लेकिन अब उनमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि एक बार जब काव्या ने हिंसा का इस्तेमाल किया तो उसके लिए वापस लड़ना असंभव था बाद में काव्या ने जाने की जहमत नहीं उठाई लेकिन कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला उसने पहले एक नर्स को बुलाया और उनसे कहा कि वे गुमान को उसके वार्ड में वापस ले जाएं फिर उसने तांग युनफान को बुलाया और उसे बताया कि अभी अस्पताल में क्या हुआ था वह चाहती थी कि वह उसके लिए एक वकील नियुक्त करे टैंग युनफान काव्या की मदद करके बहुत खुश थी और अस्पताल में जो हुआ उससे वह नाराज भी थी वरिष्ठ श्रिंती शेन ने तुरंत किसी को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला जब उन्होंने देखा कि काव्या ने फोन किया था उसने अभी अभी अपने बेटे शेन लियांग को फोन किया लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका इस बार उसने अंततः उसकी कॉल का उत्तर दिया शेन लियांग के पिता इस बात से अनभिज्ञ थे कि उन्होंने आज क्या किया इसलिए वरिष्ठ श्रीमती शेन ने अपने पति को फोन नहीं किया क्योंकि शेन लियांग ने अपनी माँ के साथ मिलकर काम किया वरिष्ठ श्रीमती शेन ने उन्हें पूरी बात बताई उसने कहा कि वे बच्चे को ले जाना चाहते थे लेकिन शू फांगई ने उन्हें रोक दिया और बच्चा दुर्घटनावश जमीन पर गिर गया उसने यह भी तर्क दिया कि बच्चा ठीक था वरिष्ठ श्रींती शेन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि बच्चा उनकी वजह से घायल हुआ था और बाद में काव्या ने उसे बचाया था आख़िरकार उसने केवल काव्या को बच्चे को उठाते हुए देखा और कुछ नहीं किया शेन लियांग को बच्चे की परवाह नहीं थी इसलिए उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा हालांकि जब वरिष्ठ श्रींती शेन ने उन्हें बताया कि एक अजीब लड़की ने हस्तक्षेप किया और उन्हें घायल कर दिया तो शेन लियांग हैरान रह गए एक लड़की अकेले ही तीन पुरुषों सहित उनमें से पांच को कैसे घायल कर सकती है यह अविश्वसनीय था शेन लियांग थोड़ा डरा हुआ था दरअसल वह केवल कमजोरों को धमकाने का साहस करता था और कभी भी स्वयं निर्णय नहीं ले पाता था या वह हर समय अपनी मां की बात नहीं सुनता था अंत में वरिष्ठ श्रींती शेन ने उन्हें बताया कि शू फांगी तलाक लेना चाहती है शू फांगी ने जागीर वापस लेने के लिए भी कहा और वह चाहती थी कि शेन परिवार उसे उसके नुकसान के लिए भुगतान करे शेन लियांग ने इसे स्वीकार नहीं किया हालांकि शेन परिवार के पास करोड़ों युआन की संपत्ति थी शू फांगी की जागीर की कीमत 100 मिलियन युवा थी इसलिए वह उसे इसे छीनने देने को तैयार नहीं था इसके अलावा अब व्यवसाय चलाना कठिन था और शेन परिवार पहले से ही पैसे खो रहा था इसलिए उन्हें अपने परिवार के व्यवसाय को चालू रखने के लिए कुछ पैसों के लिए जागीर बेचने का विचार आया यदि उनका तलाक हो गया और शू फांगी ने जागीर वापस ले ली तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा इसलिए शेन लियांग अभी तलाक लेने को तैयार नहीं थे उन्हें कानून की जानकारी थी यदि शू फांगी ने उसे तलाक दे दिया तो वह जागीर नहीं रख सकता था इसलिए उसे शू फांगे को पद छोड़ने के लिए राज़ी करना पड़ा ठीक है माँ मुझे लगता है तुम्हें अब रुक जाना चाहिए अगर फैंगी ने सचमुच मुझे तलाक दे दिया तो हमें जागीर नहीं मिल सकती शेन लियांग ने कहा वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ शूफांगे को परेशान करती रहे नहीं तो यह गंभीर समस्या बन जाती आप किस बात से भयभीत हैं जागीर उसका दहेज है यह अब हमारा होना चाहिए वह वा इसे वापस नहीं ले सकती वरिष्ठ श्रीमती शेन ने सहजता से कहा इतने मूर्ख मत बनो हालांकि यह उसका दहेज है लेकिन शादी से पहले यह उसकी संपत्ति भी थी कानून के मुताबिक ये उसका है हमारा नहीं अगर हमने इसे उससे चुराया तो हमें जेल में डाला जा सकता है शेन लियांग ने झुंझराहट में कहा उनकी मां को कानून के बारे में बहुत कम जानकारी थी आर वास्तव में वरिष्ठ श्रीमती शेन थोड़ा घबरा गई उसे शू फांगे की बातों पर विश्वास नहीं था लेकिन उसे अपने बेटे पर विश्वास था बेशक शूफांगे के साथ दोबारा खिलवाड़ मत करो मैं अभी अस्पताल जाऊंगा हमें उसे शादी में अवश्य रखना चाहिए शेन लियांग ने कहा वरिष्ठ श्रीमती शेन ने कहा बहुत बढ़िया जितनी जल्दी हो सके आ जाओ अगर यह सच होता तो वह शू फांगे के साथ बहस करना बंद कर देती असल में अब उसके पास वैसे भी ऐसा करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी यह कहते हुए वरिष्ठ श्रीमती शेन ने काव्या पर एक नजर डाली और कहा और पुरुषों के साथ आओ वह नहीं चाहती थी कि काव्या उसके बेटे को घायल करे कोई बात नहीं शेन लियांग अपनी मां की चिंताओं को समझते थे उसे इस बात का डर भी था इसलिए उसका अकेले आना नामुमकिन था काव्या ने उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी और वह उनसे पूरी तरह से घृणा महसूस कर रही थी यदि यह संभव होता तो वह उन्हें दोबारा हराने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी ठीक इसी समय नर्स आई और काव्या ने उससे गुमान को वापस वार्ड में ले जाने के लिए कहा काव्या समझ गई कि काव्या इसे संभाल सकती है इसलिए उसे इसकी चिंता नहीं थी और नर्स के साथ वापस वार्ड में चली गई लेकिन जाने से पहले उसने काव्या को सावधान रहने की याद दिलाई इस समय वरिष्ठ श्रींती शेन ने गुमान को देखा एक पल में उसने सदमे से अपनी आंखें घुमा ली क्योंकि उसने गुमान को पहचान लिया था लेकिन गुमान उसे नहीं जानता था अचानक वरिष्ठ श्रींती शेन ने काव्या की ओर देखा और महसूस किया कि वह बहुत परिचित थी काव्या ने उसे एक आदमी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया ऐ क्या तुम उसकी बेटी हो वरिष्ठ श्रींती शेन ने पूछा हालांकि उसने काव्या को गुमान को मां कहते हुए स्पष्ट रूप से सुना था फिर भी वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी क्या तुमने मुझे पहचाना क्या अब आप डरे हुए हैं आपको इसका पछतावा है वैसे भी हमें अभी भी इस समस्या से निपटने की जरूरत है काव्या ने अस्पष्ट मुस्कान के साथ वरिष्ठ श्रीमती शेन को देखा चूंकि सीनियर मिसेज शेन ने उसे पहले ही पहचान लिया था इसलिए उसे अब इसे गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी दरअसल जब उन्होंने स्थिति संभाली तो उन्होंने वरिष्ठ श्रीमती शेन को अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताने की योजना बनाई थी आखिरकार यह बहुत आसान था यदि वह समस्या को शीघ्र हल कर सकती थी तो वह समय बर्बाद करने को तैयार नहीं थी आप काव्या का उत्तर सुनकर वरिष्ठ श्रीमती शेन चिंता से भर गई उसे एहसास हुआ कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसके साथ उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए हालांकि यह काव्या ही थी जिसने उनके परिवार के मामले में हस्तक्षेप किया था लेकिन अब इस तर्क को समाप्त करना कठिन था क्योंकि वह इसमें शामिल थी शेन परिवार सिटी बी में एक प्रमुख परिवार था लेकिन इसकी तुलना तांग परिवार से नहीं की जा सकती थी माँ वह कौन है जब युवती ने अपनी माँ की चिंतित अभिव्यक्ति देखी तो वह भी घबरा गई साफ था कि उसकी माँ भी इस छोटी सी लड़की से डरती थी वरिष्ठ श्रीमती शेन की बेटी का नाम शेन जिंग था जहां तक तीन लोगों की बात है एक शेन जिंग का पति था एक शेन जिंग का चाचा था जबकि आखिरी वरिष्ठ श्रीमती शेन का भतीजा था तांग परिवार वरिष्ठ श्रीमती शेन ने कहा उसने गुमान के साथ तांग यूनफान की कहानी के बारे में सुना था क्योंकि यह उच्च समाज में एक खुला रहस्य था वह अक्सर उन अमीर पत्नियों के साथ मिलजोल रखती थी इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे इसके बारे में पता था इसके अलावा उसने गुम्मन की तस्वीरें भी देखी थी तांग यूनफान की तस्वीरें वित्त पत्रिकाओं में हर जगह थी इसलिए वरिष्ठ श्रीमती शेन उसके चेहरे से बहुत परिचित थी तांग परिवार हर कोई भयभीत था कौन सा टर्न परिवार जिंग ने पूछा हालांकि वहां केवल एक ही प्रसिद्ध प्रसिद्धतान परिवार था जो सिटी बी में सबसे अमीर परिवार था यह इतना चौंकाने वाला था कि शेन जिंग को यह सुनिश्चित करना होगा यदि यह प्रसिद्ध प्रसिद्धतांत परिवार था तो उन्होंने आज जो किया उसे कैसे संभालना चाहिए अन्य सभी लोग सीधे वरिष्ठ श्रीमती शेन की ओर देखने लगे वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे और आशा करते थे कि यह सच नहीं है भले ही यह प्रसिद्ध ताम परिवार नहीं था वरिष्ठ श्रीमती शेन की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह शेन परिवार से अधिक गरीब नहीं हो सकता था चिंता मत करो मैं तुम्हें अपने संबंधों से परेशान नहीं करूंगा मुझे लगता है कि हमें समस्या का समाधान निष्पक्षता से करना चाहिए काव्या ने कहा वास्तव में हालांकि काव्या ने कुछ नहीं किया लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने के बाद उन्होंने उससे बहस करने की हिम्मत नहीं की वरिष्ठ श्रीमती शेन तान परिवार से भयभीत थी लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी मिस स्टैंड मुझे नहीं लगता कि इसका आपसे कोई लेना देना है कृपया हमारे परिवार के मामले में हस्तक्षेप न करें हम आपको हमें घायल करने के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे यदि अन्य लोग जानते हैं कि आपने क्या किया है तो इससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है वरिष्ठ श्रीमती शेन ने कहा काव्या की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने के बाद उसने दोबारा उस पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं की लेकिन फिर भी उसने काव्या को धमकी दी काव्या को घायल करने के बाद वह उसे जाने देने के लिए अनिच्छुक थी लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए उसने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया और उम्मीद की कि काव्या इसमें हस्तक्षेप करना बंद कर देगी मुझमें न्याय की बहुत अच्छी समझ है मैं मिस यू करने को तैयार हूं मुझे नहीं लगता कि यह जानने के बाद कि मैंने तुम्हें क्यों पीटा लोग मेरी आलोचना करेंगे इसके बजाय आपकी आलोचना की जाएगी काव्या ने कहा और मुझे लगता है कि आपको एक बच्चे को उसकी मां से चुराने के लिए कुछ दिनों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में रखा जा सकता है काव्या के पर पर मजाकिया मुस्कान थी आप यह सुनकर वरिष्ठ शेन पागल हो गई बच्चा दुर्घटनावश जमीन पर गिर गया हमने जानबूझ ऐसा नहीं किया क्या बच्चा अब ठीक नहीं है हमें सजा क्यों मिलनी चाहिए शेन जिंग ने तुरंत तर्क दिया क्योंकि बच्चा उसके हाथ से गिर गया था इसलिए अगर उन्हें जिम्मेदारी लेनी होती तो सबसे पहले उसे सजा दी जाती हालांकि उसका इरादा बच्चे को गिरने देने का नहीं था जब वे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और खींच रहे थे तो उसे धक्का लगा जिससे बच्ची गिर गई बच्चा ठीक है हास्यास्पद काव्या ने व्यंग किया बच्चा लगभग मर गया उसकी मदद के बिना बच्चा जीवित नहीं रह पाता भले ही बच्चा अब ठीक था शेनजिंग अभी भी गलत था काव्या ने कहा हालांकि बच्चा अब ठीक है फिर भी तुमने उसे गिरा दिया मिस काव्या शू फांगई मेरे बेटे को तलाक नहीं देंगी जब तक वे तलाक नहीं लेते कोई भी हमें इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता वरिष्ठ श्रीन्ती शेन ने कहा हालांकि वरिष्ठ श्रींती शेन इसके बारे में निश्चित नहीं थी आखिरकार शूफांगी तलाक लेने के लिए कृतसंकल्प लग रही थी अन्यथा वह मदद के लिए काव्या के पास नहीं जाती यदि हां तो आइए देखें कि मिस मिश्य करना चाहेंगी काव्या उनके साथ बहस करने में अधिक समय बर्बाद करने को तैयार नहीं थी सच कहूँ तो काव्या को यकीन नहीं था कि शेन लियांग के आने और उसे खुश करने के लिए कुछ कहने के बाद शूफांगी हार मान लेगी या नहीं शूफांगई पहले दृढ़ निश्चय लग रही थी लेकिन उस समय वह गुस्से में थी हो सकता है कि उसने जो कहा उसका वास्तव में वह मतलब न हो हर महिला में अपने हिंसक या बेवफा पति को छोड़ने का साहस और दृढ़ संकल्प नहीं था इसलिए यदि शू फांगे ने वास्तव में शेन लियांग को माफ कर दिया तो वह उनके परिवार के मामले में हस्तक्षेप करना जारी नहीं रख सकती थी भले ही शेन लियांग केवल अपनी जागीर के कारण शूफांगे की सेवा कर रहा था आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति थी इस समय एक डॉक्टर वरिष्ठ श्रींती शेन और उनके भतीजे की घायल भुजाओं का इलाज करने आया उखड़े हुए हाथ को वापस उसकी मूल जगह पर रखना दर्दनाक था इसलिए वरिष्ठ श्रींती शेन जोर से चिल्लाई एक बार जब यह अपनी मूल जगह पर वापस आ गया तो अब इसमें कोई दर्द नहीं था लेकिन फिर भी उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा थोड़ी देर बाद शूफांगी मेडिकल जांच के बाद बच्चे के साथ वापस आ गई बच्चा बिल्कुल ठीक था अन्य लोगों का मानना था कि बच्चा बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था लेकिन शू शूफांगे का मानना था कि काव्या ने बच्चे की जान बचाई थी भले ही बच्चा बच गया शू शूफांगी हमेशा की तरह वरिष्ठ श्रींती शेन और अन्य लोगों से गहरी नफरत करती थी साथ ही वह इस बात से भी सतर्क रहती थी कि कहीं वे दौड़कर बच्चे को दोबारा चोट न पहुंचा दें हालांकि वरिष्ठ श्रींती शेन और अन्य लोग अब शू शूफांगी को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वे चाहते थे कि वह शादी में बनी रहे सीनियर मिसेज शेन ने अभी जो किया उसके कारण वह अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती वह इसे केवल शेन लियांग पर छोड़ सकती थी शू फांगी ने बच्चे को वापस लेने के बाद वह अवचेतन रूप से काव्या के पास चली गई क्योंकि अब केवल काव्या ही उसकी रक्षा कर सकती थी बच्चे को एक नर्स ने उठाया था जो शू फांगे की देखभाल करने वाली थी इसलिए वह उसके पीछे पीछे काव्या के पास चली गई चूंकि वरिष्ठ श्रीमती शेन और शेन लियांग का बच्ची को पालने का कोई इरादा नहीं था इसलिए उन्होंने किसी आया के लिए भुगतान करने की जहमत नहीं उठाई सौभाग्य से अस्पताल में देखभाल करने वाला भी यही काम कर सकता है उसने शू फांगे के लिए खाना बनाया और उसकी अच्छी देखभाल की देखभाल करने वाले को शू फांगे के प्रति बहुत सहानुभूति थी उसे अब शादी से डर लगने लगा था क्योंकि वह ऐसी बुरी सांस नहीं चाहती थी अगर भविष्य में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ तो वह असहाय हो जाएगी